हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे मेडिकल रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे तो ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं मोस्टली तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कसन करना पहला क्वेश्चन हमारा है वट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ़ एन एनेस्थीशिया मशीन जो हमारी एनेस्थीशिया मशीन है जिसे बॉयल सेपरेटर्स और एनेस्थीशिया वर्क स्टेशन के नाम से भी जानते हैं तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है तो चार ऑप्शन दिए गए हैं पहला है डिलीवरी ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को डिलीवर करना दूसरा है मोनिटर वाइटल साइंस तीसरा है प्रोवाइड वेंटिलेशन चौथा है ऑल ऑफ द एवर तो पहला क्या है डिलीवर ऑक्सीजन तो एनेस्थीशिया मशीन ऑक्सीजन डिलीवर करती है और वाइटल साइन को भी मॉनिटर करते रहती है वाइटल साइन में ब्लड प्रेशर ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी एस पी ओ टू लेवल रेस्पिरेशन रेट टेम्परेचर ये सारी चीज़ों को जो है हमारा एनेस्थीसिया मशीन का मॉनिटर जो मल्टीपैरामीटर मॉनिटर होता है वो मॉनिटर करता है ठीक है तो बीपी, पल्स रेट जैसे आप हार्ट रेट कह सकते हैं सी ओ टू लेवल टेम्परेचर ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब कुछ जो है मॉनिटर होता है यानी आपको दिखेगा फिर है कि वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा तो ये तीनों चीज़ें जो है एनेस्थीसिया मशीन का फंक्शन है तो आंसर होगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एवर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंपोनेंट ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन रेगुलेट्स ऑक्सीजन फ्लो यानी एनेस्थीसिया मशीन के भी कंपोनेंट होते हैं पार्ट होते हैं तो इसमें से कौन सा पार्ट है जिसका काम ऑक्सीजन फ्लो को रेगुलेट करना है तो पहला है फ्लो मीटर दूसरा है प्रेशर गॉज तीसरा है वेपोराइजर और चौथा है स्केवेंजर राइट right आंसर होगा इस क्वेश्चन का फ्लो मीटर फ्लो मीटर का काम है ऑक्सीजन फ्लो को रेगुलेट करना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ़ द पॉप ऑफ वाल्व इन एन मशीन एनेस्तीशिया मशीन में जो आपका ए पी एल होता है उसको पॉप ऑफ वाल्व के नाम से भी जानते हैं तो उसका क्या मकसद है आखिर वो है क्यों मशीन में क्या काम है उसका पहला है रेगुलेट प्रेशर दूसरा है प्रिवेंट ओवरडोज तीसरा है वेंट एक्सेस गैस चौथा है मॉनिटर ऑक्सीजन राइट right आंसर होगा सी ऑप्शन वेंट एक्सिस गैस चौथा क्वेश्चन है हमारा विच एनेस्थीशिया ब्रीदिंग सर्किट इज मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा ऐसा एनेस्तीशिया ब्रीदिंग सर्किट है जो कि बहुत ज़्यादा यूज में लाया जाता है तो पहला ऑप्शन है मैपलेशन ए दूसरा मैपलेशन बी तीसरा मैपलेशन सी और चौथा है जैक्सन रीज जैक्सन रीज मैपलेशन सी मैपलेशन बी मैपलेशन ए तो इन चारों ऑप्शन में तो सबसे ज़्यादा ए ऑप्शन का जो मैपलेशन ए सर्किट है वो ज़्यादा यूज होता है तो राइट आंसर होगा फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमिडिफायर इन एन एनेस्तीशिया सर्किट एनेस्तीशिया सर्किट में जो ह्यूमिडिफायर होता है उसका काम क्या होता है पहला ऑप्शन है वार्म गैसेज दूसरा ऑप्शन है एड मॉइस्चर तीसरा ऑप्शन है फिल्टर गैसेज चौथा ऑप्शन है रेगुलेट प्रेशर ह्यूमिडिफायर का काम मोस्टली क्या होगा तो ह्यूमिडिफिकेशन करना यानी कि मॉइस्चर को ऐड करना तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनेस्थेटिक एजेंट इज कॉमनली यूज फॉर इंडक्शन यानी इंडक्शन के लिए कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट सामान्य तौर पे यूज करा जाता है पहला ऑप्शन है प्रोपोफॉल दूसरा है सीओ चौथा सॉरी तीसरा ऑप्शन है आइसोफ्लोरेन चौथा ऑप्शन है डेस्फ्लोरन राइट आंसर होगा ए ऑप्शन प्रोपोफॉल प्रोपोफॉल आईवी वी एजेंट है यानी कि इंट्रावेनस रूट से इसे देते हैं और जो बी सी और डी ऑप्शन है वो इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है तो मोस्टली जो है प्रोपोफॉल यूज करा जाता है इंड्यूस करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एन ऑफ एक्शन ऑफ सक्सीनाइल कॉलिन यानी एसकोलिन जिसका पूरा नाम है सक्सीनाइल कॉलिन उसका मेन काम क्या है मेन जो उसका फंक्शन है वो क्या है ठीक है प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उनका तो पहला ऑप्शन है डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट दूसरा है नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट तीसरा है लोकल एनेस्थेटिक चौथा है सीडेटिव तो मेनली जो आ, हमारा सक्सिनाइल कॉलिन का जो एस्कोलिन है उसका प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट का यानी ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा एस्कोलिन एक तरह का मसल रिलैक्सेंट है क्या है तो इस तरह का मसल रिलैक्सेंट है जिसका काम मसल को रिलैक्स करना होता है ठीक है और ये जो है इसका अगर डोज देखें तो जीरो पॉइंट फाइव एम जी से वन पॉइंट फाइव एम जी आई वी रूट से आप दे सकते हैं ठीक है और ये जो है बहुत ही फास्ट एक्ट करता है और इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो भी बहुत ही फास्ट होता है मिलनी आपका देखे तो ट्वेंटी टू थर्टी सेकेंड में ये अपना एक्शन शो करेगा अब आपका जो है uh, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि एस्कोलिन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा है विच ओपियोड इज कॉमनली यूज इन एनेस्थिशिया एनेस्थिशिया में कौन सा ओपियोड जो है मोस्ट कॉमनली यूज करा जाता है तो पहला है मॉर्फिन दूसरा है फेंटानील तीसरा है सुफेंटानील चौथा है एल्फेंटानील राइट right आंसर होगा बी ऑप्शन फेंटानील फेंटानील सबसे बेस्ट एनालजेसिक है और एनेस्थिशिया में ओपियोड के रूप में इसका सामान्य तौर पर यूज करा जाता है चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिवर्सल एजेंट फॉर रॉक्यूरोनियम रॉक्यूरोनियम वैक्यूरोनियम ये सब नाम आपने सुना होगा एट्राक्योरियम ये सब एक तरह के मसल रिलैक्सेंट हैं रॉक्यूरोनियम का रिवर्सल एजेंट कौन सा है तो पहला है न्यूस्टिगमिन दूसरा है सुगामा डेक्स तीसरा है एट्रोपिन चौथा है ग्लाइकोपायरोलेट रोक्यूरोनियम का इफ़ेक्ट को रिवर्स करने के लिए मिलनी बी ऑप्शन यानी सुगामा डेक्स को यूज करा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनेस्थेटिक एजेंट इज इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी जो गर्भवती महिला हैं उसमें कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट यूज नहीं करना चाहिए इंडिकेटेड है उनमें अगर यूज करेंगे तो उनके लिए सही नहीं रहेगा तो पहला ऑप्शन है प्रोपोफॉल दूसरा है सीवोफ्लुरेन, तीसरा है आइसोफ्लुरेन और चौथा है कीटामिन तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कीटामिन कीटामिन ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है जिसको प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना चाहिए तो इस तरीके से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कसन करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए अब ट्राई करेंगे कि डेली आप लोग को आप लो एक एक वीडियो प्रोवाइड कराएं आप लोग के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कराएँ तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें अपना ध्यान रखिए अच्छे से पढ़ाई करिए जो भी कन्फ्यूज़न हो जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए तो थैंक यू